आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 9 जुलाई की शिरोदान की। एक है संपूर्णता और एक है संपन्नता। अगर हम अपने आप को संपूर्ण फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली संपन्नता हमारे अंदर महसूस होती होती है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम संपूर्ण बने, मतलब कि हर गुण में, हर शक्ति में अगर हम कंप्लीट बनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फील होगा कि हम कंटेंट हैं, संपन्न हैं, हम भरपूर हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संसार में झमेले बहुत हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सारी चीज़ों में अगर हम फंसे तो बहुत सारे झमेले बन जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। सागर हो गए परमात्मा पिता और गंगा हो गई हम आत्माएं। हम परमात्मा से अलग नहीं और परमात्मा हमसे अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। हम हो गए नदियां और परमात्मा हो गए सागर, ज्ञान के सागर। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये जो मिलन है, परमात्मा से मिलन, परमात्मा के ज्ञान का मिलन, परमात्मा के साथ ही इस कलयुग की दुनिया से मुक्त होकर के सत्युग में जाने वाला मिलन। तो परमात्मा कहते हैं लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। मतलब कि परमात्मा के गुण और शक्तियाँ अगर हमारे अंदर आए जो कि ध्यान से परमात्मा की याद से आते हैं, तो अगर हम उनके समान बन जाते हैं उनके याद से, तो ये मेले का अनुभव हम कर सकते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, किसमें, परमात्मा के ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में समा जाना। लेकिन भक्ति में कहा जाता है कि हम परमात्मा के अंदर जाके समा जाते हैं, और वो भी कहाँ, ऊपर। और एक जगह कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, तो हम समाए कैसे उनके अंदर। बहुत कन्फ्यूजन करके रखा हुआ इंसान ने। कहीं कहते हैं भगवान हमारे अंदर है, कहीं कहते हैं हम भगवान में जाके समा जाते हैं, और जाते कहाँ, हम ऊपर जाते हैं, फिर भगवान हमारे अंदर है और हम उनके अंदर समा गए। थोड़ा कन्फ्यूजन है ना। तो परमात्मा कहते हैं जो सदा स्नेह में समाए हुए हैं, बात है स्नेह में समाने की, ना कि उनके अंदर समाने की, वह संपूर्णता और संपन्नता की प्रालब्ध का अनुभव करते हैं। तो मेन है ही परमात्मा के स्नेह में समाना, ताकि हम संपूर्ण महसूस करें और संपन्न महसूस करें। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रलब्ध की इच्छा नहीं रहती। तो जब सब कुछ परमात्मा से मिल रहा है और हम संपूर्ण महसूस कर रहे हैं, तो हमें कोई भी प्रलब्ध की इच्छा नहीं रहती। दुनियावी इच्छा नहीं रहती, दुनियावी प्राप्तियों की इच्छा नहीं रहती है। हर कार्य हमारा परमात्मा, हर श्वास परमात्मा, हर खान पान परमात्मा, उठना बैठना परमात्मा, सोना हर चीज़ परमात्मा से होता है। यही हमारा फाइनल स्टेज का पुरुषार्थ है जो कि हमें करना है, और यही चीज़ परमात्मा हमें हर दिन समझाते हैं, सिखाते हैं। और आप भी आकर के इसको सीख सकते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें। ओम शांति सत्सर।